स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान विद विपुल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फार्मासिस्ट विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों प्याज को बहुत सारे लोग उसकी बदबू के कारण पसंद नहीं करते, क्योंकि प्याज को खाने के बाद मुंह से दुर्गंध आती है। लेकिन प्याज के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे प्याज इम्यूनिटी को बढ़ाता है, चेहरे की झुर्रियों को दूर भगाता है, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। प्याज में कई एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे यह शरीर को कई तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। प्याज बहुत ही उपयोगी सब्जी है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। प्याज खून से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। प्याज की सब्जी बनाकर खाने से बुखार, कफ और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। पुराने जमाने में इजिप्शियन नियमित रूप से प्याज और लहसुन खाते थे। सल्फर की वजह से इनमें से तीखी गंध आती है। सब्जियों में आलू के सबसे ज्यादा खाने में खाई जाने वाली सब्जी है प्याज। प्याज सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्याज के क्या क्या चमत्कारी गुण होते हैं। प्याज में मौजूद रेशे पेट के लिए काफी लाभकारी होते हैं। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो कच्चा प्याज रोजाना खाने में शामिल कर दें। इसे सलाद के रूप में लें तो कब्ज की समस्या कम हो जाएगी। आंखों के लिए भी ये बेहतरीन औषधि है। प्याज में राइबोफ्लेविन विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है। प्याज और अदरक का रस अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्याज खाने से खून पतला होता है, क्योंकि ये ब्लड थिनर की तरह भी काम करता है और लीवर की बीमारियों के लिए तो वरदान माना जाता है। यानी लीवर के लिए प्याज खाना बहुत अच्छा माना गया है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्याज खाने से मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन पुदीने की पत्तियां खाने से इस दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मेडिकल ज्ञान विद विपुल के साथ जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान विद विपुल के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।